इलाके के नामी बदन सिंह उर्फ भद्दो बीते लगभग 17 महीने पूर्व माफिया बदन सिंह भद्दो को पेशी का ले जाने के बाद उसे फरार होने में दोषी पाए जाने पर आईजी ने 5 सिपाहियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। पूर्व में एक उप निरीक्षक को बर्खास्त किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक बीते 28 मार्च 2019 को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से माफिया बदन सिंह भद्दो को लेकर उप निरीक्षक देशराज त्यागी, सिपाही संतोष कुमार, सुनील सिंह, राजकुमार, ओमवीर सिंह और वाहन चालक भूपेन्द्र सिंह गाजियाबाद कोर्ट 2 में पेशी के लिए लेकर गए थे। सर, फरुखाबाद में एक अपराधी था, पिछले साल भाग गया था, बदन सिंह उर्फ भद्दो, तो उसकी जांच चल रही थी, क्या पूरा मसला, कितने पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? 27 मार्च 2019 को बदन सिंह भद्दो को, जो कि एक कुख्यात अपराधी था, यहाँ पर सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में वो बंद था, यहाँ से उसे पेशी पर गाजियाबाद ले जाने के लिए उप निरीक्षक देशराज त्यागी और उनके साथ हेड कांस्टेबल संतोष कुमार, कांस्टेबल सुनील सिंह, कांस्टेबल राजकुमार, कांस्टेबल ओमवीर सिंह और आरक्षी चालक भूपेंद्र सिंह, इनकी सुरक्षा में उसे गाजियाबाद पेशी के लिए भेजा गया था। जो निर्धारित रास्ता था, उस रास्ते से न ले जा करके उस मुलजिम को दूसरे रास्ते से ये सब लेकर वहाँ गए और पेशी के बाद वहाँ से मेरठ के एक होटल में उसे लेकर गए, जहाँ से वह इन लोगों को धोखा देकर या इनकी मिलीभगत से ही इनके वहाँ से वो फरार हो गया, क्योंकि रास्ता छोड़कर जाना और मेरठ ले जाने का कोई औचित्य नहीं था, तो वहाँ से वो फरार हो गया। इसके बाद इस प्रकरण में विभागीय कार्रवाई की गई, जाँच की गई, जाँच और विभागीय कार्रवाई के बाद इन सबको बदन सिंह भद्दो के भागने में दोषी पाया गया। दोषी पाने के बाद विभागीय कार्रवाई के पश्चात आईजी रेंज कानपुर महोदय के द्वारा उप निरीक्षक देशराज त्यागी को 31 जुलाई को बर्खास्त कर दिया गया है और शेष का जवाब आना बाकी था, सबके जवाब आए, उसका परीक्षण किया गया और इसके बाद इसमें संतोष कुमार जो हेड कांस्टेबल हैं और आरक्षी सुनील सिंह, आरक्षी राजकुमार, आरक्षी ओमवीर सिंह और आरक्षी चालक भूपेंद्र सिंह, इनको 22 अगस्त को यानी कल इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन